तो आज की वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज है आपकी 12.3, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। व्रतों से संबंधित क्षेत्र या एरिया रिलेटेड टू सर्किल से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक स्क्वायर शेप का एक रूमाल दिया हुआ है। देखिए, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 व्रताकार डिजाइन बने हैं, तो हमने 9 जो है 9 व्रताकार डिजाइन ड्रॉ कर दिए डायग्राम में, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि हर एक की जो रेडियस है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अगर 7 सेंटीमीटर आप रेडियस मानोगे तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 डायमीटर, 14 रेडियस, 7, समझिए। वेल, हमें जरूरत भी रेडियस की है, हमें डायमीटर की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझिए डायमीटर क्या हो जाएगा 14 और रेडियस क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो ये जो आपका हैंकी है इसमें रिमेनिंग जो पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है दिमाग में सेट कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम क्या करें, एरिया ऑफ रूमाल निकालना है, यानी रूमाल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले पार्ट में क्या करेंगे, रूमाल का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, रूमाल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप लगा लीजिएगा एरिया ऑफ हैंकी या एरिया ऑफ द हैंडकरचीफ, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, इसके बाद एरिया ऑफ सर्किल या वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, व्रत कितने हैं, 9 व्रत दिए हुए हैं क्वेश्चन में आपको, तो एक व्रत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 9 की उसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट यानी रूमाल का शेष भाग निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, हमें करना क्या है, हमें रूमाल का जो है शेष भाग का क्षेत्रफल वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, रूमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल, और उसमें से ये जो आपकी 9 डिजाइन जो है, ये 9 जो डिजाइन है इनके क्षेत्रफल को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यानी कि अगर मैं एक, ये इनकी डिजाइन जो है कैसे वृत्ताकार है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसके अंदर क्या करेंगे, 9 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब देखिए, रूमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या करना है, वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल क्या है, इसकी साइड क्या दी हुई है आपको, क्या कितनी दी हुई है, 42, क्या दी हुई है, 42 दी हुई है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं रूमाल का क्षेत्रफल, रूमाल का क्षेत्रफल बराबर साइड कितनी है उसकी, कोर कितनी है, 14, और गुणा 14 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, 14 नहीं सॉरी 42 है, कितनी दी हुई है 42, तो 42 इनटू क्या हो जाएगी 42 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1764, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल जो है मिल गया, यानी रूमाल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि इसके अंदर डिजाइन जो है, तो उसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 7, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, और रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 स्क्वायर हो जाएगा, इससे से कैंसिल कर दिया, 22 × 7 इक्वल टू कितना, 154 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 154। अब हमसे क्या पूछा है, रूमाल का शेष भाग, तो रूमाल का शेष भाग क्या हो जाएगा, रूमाल का शेष भाग बराबर क्या हो जाएगा, रूमाल का क्षेत्रफल, रूमाल का क्षेत्रफल कितना था भाई, कहां गया, 1764, उसमें से माइनस करेंगे कितने, ये तो हमने एक व्रत का क्षेत्रफल निकाला था, और ऐसे व्रत हैं कितने, 9 व्रत हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्रत का हम क्षेत्रफल निकाला था, उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9 × 1 का कितना था, 154, कैलकुलेशन कर दीजिए, 1764 माइनस 154 की अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा,
1386, दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, हमें मिलेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आंसर कितना हो गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्लॉथ कह सकते हैं या हैंकी, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है एक्सरसाइज 12.3 से कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। बाय बाय।